जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसखाड़ी में प्रसव के लिए लाई गई प्रसूता की चिकित्सकों की लापरवाही के चलते मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रसव के नाम पर पहले 7,000 लिए गए, फिर भी इलाज में लापरवाही की, जिसके चलते प्रसूता की मौत हो गई। मौके पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आक्रोश को देखते हुए देर रात जिले के CMO भी पहुंच गए। उन्होंने संबंधित स्टाफ नर्स को निलंबित करते हुए मौके पर तैनात चिकित्सक की संविदा समाप्त करने के लिए लिख देने की बात कहकर आक्रोश को शांत कराया। साथ ही जांच के लिए कमेटी भी गठित की गई है। बताया गया है कि बसखारी थाना क्षेत्र के भोजपुर की आरती पति जसवंत की पहली डिलीवरी के दौरान उसे बसखारी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जहां डॉक्टरों की लापरवाही के चलते प्रसव के बाद उसकी जान चली गई। 20 वर्षीय प्रसूता ने बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई। मृतका के ससुर मोतीलाल के अनुसार मौके पर कोई भी डॉक्टर उपस्थित नहीं था, जिसके चलते तबियत बिगड़ने पर समुचित इलाज नहीं हो सका। परिजन गिड़गिड़ाते रहे और धरती के भगवान पत्थर बने रहे। यहाँ पे मसला क्या सर? देखिए, एक राजमी गर्भवती जी का पहला बच्चा होना था, आरती नाम की थी, वो यहाँ चिकित्सालय में भर्ती हुई। भर्ती होने के उपरांत 4 बजे उसको सामान डिलीवरी हुई। जच्चा बच्चा दोनों ठीक थे। जैसा कि अधीक्षक महोदय ने बताया कि 7 बजे के लगभग उसको अचानक दर्द हुआ, दर्द की सुई लगाई गई और उसके कुछ देर बाद वो महिला थी वो उसका निधन हो गया। ये बहुत दुखी बात है। तो प्रथम दृष्टा जो मैंने जांच की उसमें जो स्टाफ नर्स थी उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ससीवाला जो डॉक्टर अंजुम आया जो संविदा की चिकित्सक है, इनकी संविदा समाप्ति के लिए मैं मिशन निदेशक को लिख दूंगा। तीसरा जो अधीक्षक जी हैं, अधीक्षक जी की व्यवस्था सही नहीं है, इनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा और निलंबन के लिए भी लिखा जाएगा। इसके पहले भी 2 और मौतें हो चुकी हैं। उस समय में यहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए उन लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। मैं उस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। उसी बात को लेकर जनता आक्रोशित है, तो जनता का आक्रोश है, तो उसकी भी जांच कराऊंगा। और एक मैंने जांच कमेटी बना दी गई है, जिसके की इंचार्ज डॉक्टर पासवान जी होंगे, सालिकराम पासवान ACMO है, वो उसके इंचार्ज होंगे। 3 लोगों की कमेटी होगी, वो 7 दिन में पूरी जांच करके आप लोगों की वार्ता करके जांच करके रिपोर्ट देगी और दोषियों के खिलाफ जो अन्य भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों का कहना है कि जो है प्रसव के दौरान यहाँ पे जो है अस्पताल में अवैध धन उगाही किया जाता है, इसके संबंध में क्या कहना चाहिए? आपने ये बात मेरे संज्ञान में लाई है, इसकी भी मैं जांच कराऊंगा। उसके लिए भी कमेटी जांच करके देगी। जो लोग हैं सबूत के साथ में कमेटी के सामने उपस्थित हैं और सबूत के साथ में ये दें किसने पैसे लिए, उन दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सामान्य प्रसव के दौरान कम से कम 1,000 रुपए जो है इनसे लिया जाता है, किसी ने लिया है उसका आप सबूत वगैरह दिखाएंगे, कैमरे लगे हैं, CCTV कैमरे देते हुए लेते हुए नजर आएगा, बस कार्रवाई होगी। और देने वाले ने देने के बाद में शिकायत कर रहा है, पहले शिकायत करता कोई पैसे मांग रहा है ना? नॉर्मल करके देती हूँ, कितना पैसा लिया गया आपसे? 7,000 रुपए। 7,000 प्रसव कराने के लिए? डिलीवरी नॉर्मल देती है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अरे साहब, का करी परिवार के लिए आदमी सब बुलाई है? नाम नहीं पता उनका? नहीं साहब पता। डॉक्टर हैं? डॉक्टर की डॉक्टर आए डॉक्टर